तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर कॉमिक्स और स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आज मैं लेकर आया हूं मार्वेल की एक एक्साइटिंग व्हाट इफ कॉमिक स्टोरी। तो मेरे सभी नए व्यूअर्स जो मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप ऐसे ही शानदार और ऑसम वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस चैनल की आने वाली कोई भी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं क्या होता है जब मार्वल का एक बैडेस हीरो एक बैडेस विलेन के साथ मिल जाता है। आखिर क्या होता है जब वेनोम पोजेस करता है डेडपूल को। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कॉमिक में डेडपूल की स्टोरी को 4 अलग अलग चैप्टर्स में दिखाया गया है, जहां हर चैप्टर में हमें डेडपूल के साथ कुछ ना कुछ होते हुए देखने को मिलता रहेगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे वॉचर भाई साहब, जो हमें बता रहे हैं कि अब तक जिस अर्थ 616 पर हम ध्यान दे रहे थे वो एकदम बेकार था, बकवास था, एक ढेर था। और अब वो बॉय वॉचर एक ऐसे अर्थ 615.9 की कहानी सुनाएगा जो कि सारे डायमेंशंस में सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ है। और अब हम इस अर्थ पर ही अपना ध्यान रखने वाले हैं। अब हमें अपने दिमाग को अब तक की बताई गई सबसे अविश्वसनीय कहानी की यात्रा के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सुपर हीरो होने का सही महत्व सीखा, कैसे वो इस संसार का स्वामी बनकर इस संसार की कंटिन्यूटी में दखल देने वाला था। और फिर दोस्तों शुरू होता है इस कहानी का फर्स्ट चैप्टर, द मैन विथ मॉडोक बट। तो कहानी शुरू होती है जहां डेडपूल को गैलेक्टस एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, द बियॉन्डर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी पूरी जानकारी गैलेक्टस की असिस्टेंट उसे देती है। उसे बताती है कि उसके मालिक गैलेक्टस बियॉन्डर को इसलिए मरवाना चाहते हैं क्योंकि एक तो वो अंतरिक्ष का देवता है जिसे जेरिकल्स रखने से पावर मिलती है और अब उसने धरती पर एक आदमी का रूप धारण कर लिया है, और दूसरा उसने उसके मालिक गैलेक्टस के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक किया, उसने मॉडोक को गैलेक्टस के पिछवाड़े के साथ जोड़ दिया, जिसके बाद डेडपूल काम करने के लिए मान तो जाता है, साथ ही उनसे इस काम के बदले में कॉन्टिन्यूटी क्यूब भी मांगता है। और फिर गैलेक्टस उसकी ये शर्त मान लेता है और सौदा पक्का करते हुए उसे एक हथियार भी देता है जिसे यूज करके वो बियॉन्डर को मिटा सकता था। वो हथियार थी एक गन, एक रिटकॉन एक्सपेंसिफायर गन, जो कि बियॉन्डर का अस्तित्व मिटा सकती थी। जिसके बाद डेडपूल वहां से सीधा घर अपने कपड़े बदलने जा ही रहा था कि उसे गैलेक्टस डायरेक्ट बियॉन्डर की प्लेस पर टेलीपोर्ट कर देता है उसके बदले कपड़ों के साथ। लेकिन वहां पहुंचते ही डेडपूल उसके जेरिकल्स देखकर उसका फैन हो जाता है, उसे उसके बाल बहुत पसंद आते हैं। और फिर बियॉन्डर को मारने के बजाय डेडपूल उसके कहने पर उसके साथ ही पार्टी में शामिल हो जाता है, और फिर काफ़ी ज़्यादा पार्टी एंजॉय करने के बाद वो उस क्लब से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी बियॉन्डर डेडपूल को बॉबी ओशेनिक से मिलवाता है जो कि एक सिंगर था और जिसे उसने अपना ड्राइवर भी रखा था, और फिर वो दोनों वहाँ से उसी गाड़ी में निकल पड़ते हैं। तभी दोस्तों हमें दिखता है वेनोम, जो कि उन पर नज़र डाले बैठा था, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने बियॉन्डर की गाड़ी का कांच तोड़ा और उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो अपने उस एविल सिम्बायोट जंपसूट का जिम्मेदार बियॉन्डर को मानता था। उसकी वजह से ही वो उसके साथ फंस गया और अब उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। तभी डेडपूल उसे स्पाइडरमैन समझता हुआ उससे पूछता है कि आखिर वो क्या बकवास कर रहा है। तब बियॉन्डर उसे बताता है कि इस सब मामले को वो बॉबी पर छोड़ दे, क्योंकि उसने बॉबी को सिर्फ गाने के लिए नहीं रखा है। जिसके बाद हमें दिखता है कि बॉबी एक गन निकालता है और वेनम पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही वेनम सिम्बायोट अपने उस होस्ट की बॉडी से अलग हो जाता है और डेडपूल को अपना नया होस्ट चुन लेता है। और फिर दोस्तों वेनम और डेडपूल का ये मिक्सचर कहलाता है वेनम पूल, जिसके बाद बियॉन्डर भी वेनम पूल से कहता है कि अब उसकी सभी सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ बॉय वॉचर हमें बताता है कि उस दिन हमारे उस हीरो ने एक बात तो जरूर सीखी कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्स टू पार्टी। तो दोस्तों इसके बाद हम स्टोरी के सेकेंड चैप्टर पर आते हैं जो था
स्ट्रेट आउट ऑफ सीक्रेट वॉर्स। और दोस्तों अब वक्त था 1993 का, जहां बियॉन्डर और वेनम पूल को लोकल पार्टी स्टाइल को जीते हुए कई साल बीत गए, और उन्हीं सालों के दौरान उन्हें मिल चुका था उनका एक नया साथी, और दोस्तों वो था टोनी स्टार्क, एक बेवड़ा टोनी स्टार्क। लेकिन दोस्तों इतने साल उन दोनों के साथ रहकर बियॉन्डर अब ये समझ चुका था कि उसका हुनर उनके साथ रहते हुए बर्बाद हो रहा है। अब समय आ चुका था कि वो अपनी दुनिया में वापस जाए, और तभी वेनम पूल उसे रोकता है। वो उसे उन दोनों की साथ रहने वाली कस्में और शपथ याद दिलाता है, पर बियॉन्डर ने तो अपना मन बना लिया था, और वो वहां से जाते हुए आखिर में ये कहते हुए जाता है कि वो ये लाइफ जीते जीते थक गया है, और अब उसे वापस से ऊंचाइयों पर लौटना है, और वो दोनों उसकी एक बात जरूर गांठ बांध लें कि अब वो वापस से एक बड़ा आदमी बन के रहेगा। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन वेनम पूल को यह सब देख गुस्सा आ जाता है, और फिर वो बियॉन्डर को मारने या यूं कहे उसे मिटाने के लिए गैलेक्टस की दी हुई गन ढूंढता है, पर वो गन उसे नहीं मिलती। और तब जाके टोनी उसे बताता है कि उन दोनों ने रास्ते में ही वो गन और उसके आर्मर के कुछ पीसेस किसी को बेच दिए, सिवाय उसके एक ग्लव के जिससे वो पहन कर बैठा था। तो दोस्तों फिर वेनम पूल सोचता है कि बियॉन्डर ने अपनी मौज मस्ती के लिए उसका इस्तेमाल किया, और फिर काम होने पर उन्हें हकाल दिया, लेकिन अब वो खुद उसे कई गुना बड़ा आदमी बनेगा। पर तभी उसे यह भी विचार आता है कि उसे एक बड़ा आदमी बनने के लिए ढेर सारे पैसों की भी जरूरत है, पर वो ये पैसे लाए कहाँ से। तब जाके उसे टोनी दिखता है और उसे एक आइडिया सूझता है, और दोस्तों थोड़े ही टाइम के बाद वेनम पूल पैसों के लिए टोनी को बेच देता है। जी हाँ दोस्तों, वो एक जिंदा इंसान का सौदा कर देता है। पर दोस्तों जल्द ही वक्त के साथ वेनम पूल के सभी पैसे खत्म भी होने लगे, और फिर उसने सोचा कि उसे एक प्रॉपर जॉब की जरूरत है ताकि उसकी इनकम कंटिन्यू आती रहे। उसे एक रियल हीरो बनने की जरूरत है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि दुनिया एक उदासी से भरी ठंडी जगह है। दोस्तों जॉब के मारे वेनम पूल इधर उधर भटकने लगा। उसने कभी फैंटास्टिक फोर की टीम में शामिल होने का ट्राई किया, तो कभी एवेंजर्स के मैंशन के चक्कर काटे, पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिली। लेकिन उसे डिफेंडर्स ने जरूर हायर करना चाहा, पर वेनम पूल तब तक रिजेक्शंस के चलते काफी मायूस हो चुका था, और अब उसे कोई काम ही नहीं करना था। और फिर आखिर वो समझ ही गया कि अगर लोगों को उसकी सीरियसनेस उसे दिखानी है, तो उसे सबसे पहले अपने घुंघराले बाल ठीक करने पड़ेंगे। पर किसी कारण से वो उस वेनम सिम्बायोट को अपने से अलग नहीं कर पा रहा था। तभी वहां एक घंटा बजता है, और दोस्तों आपको तो पता ही है कि तेज आवाज से वेनम सिम्बायोट्स को तकलीफ होती है, इसलिए उसे भी हुई, और फिर आखिरकार उसे उस सहजीवी दानव और उसके साथ आने वाले सभी तनाव और चिंता से मुक्ति मिली, और अब फाइनली वेनम पूल एक हीरो के रूप में उभरा। और एक बड़ा हीरो बनने के लालच में उसने अपने रास्ते में आए हर क्रिमिनल को मार गिराया। उसने केवल नासमझ हिंसा और खून की नदी अपने पीछे छोड़ी। लेकिन दोस्तों ये 1990 का दशक था, ज्ञानोदय का युग, जिसमें उसकी इन हरकतों पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। उसका यूं ही छोटे मोटे बदमाशों को मारना और किसी की जान बचाना काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी बड़ी घटनाओं को फ्रंट पेज मिलता रहता, आए दिन वो चर्चा में रहता था। फिर एक दिन उसे एक पुलिस वाला मिला, जिसने उसे उसकी उदासी का कारण पूछा, जिस पर वेनम पूल ने बताया कि आज ही उसने 16 लोगों की जान बचाई और उनके किडनैपर की खाल उधेड़ दी, पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब पुलिस वाले ने वेनम पूल से पूछा कि क्या वो ये सब अटेंशन के लिए कर रहा है, जिसका जवाब उसे हाँ मिलता है। तब उसने वेनम पूल को बताया कि उस जैसे बड़े सेक्सी मजबूत आदमी की तो बिल्कुल प्रशंसा होनी चाहिए, और इसके लिए ही उसे बेहतर नहीं बड़ा सोचने की जरूरत है। जिसे सुन के वेनम पूल को कुछ समझ नहीं आया। तब उस पुलिस वाले ने उसे डिटेल में बातें समझाई। उसने उसे बताया कि उसे सीक्रेट वॉर्स में लड़ने वाले लोगों की तरह बनना होगा, क्योंकि वो सभी ऐसी फाइट्स लड़ते हैं जो मायने रखती हैं। लेकिन वेनम पूल कहता है कि ये तो हीरोज का एक जुट है जो आपस में ही लड़ते रहता है, इसमें शामिल होके उसका क्या फायदा।
तब फिर आगे वो पुलिस वाला ये बताता है कि ये एक दूसरे से लड़ने वाले नायकों का एक समूह तो है, जिसमें कुछ खलनायकों की तो कोई परवाह भी नहीं करता, लेकिन वो बात मायने नहीं रखती। वो उसे पिछले सीक्रेट वॉर्स के बारे में बताता है, जहाँ 3 सुपर हीरो टीमों को नया आकार दिया, जिसमें 5 हीरोज और 7 विलन्स मारे गए। पर ये सब बातें भी ध्यान देने वाली नहीं है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे बड़े कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। वो क्या चाहता है, कि वो यूं ही छोटे लोगों को बचाता रहे और सामान्य नागरिकों की रक्षा करता रहे, या फिर इस खेल में शामिल हो और सबको दिखा दे कि वो क्या चीज है। और दोस्तों, अंधों की भूमि में तो एक आंख वाला राजा होता है, इसलिए वेनम पूल सीक्रेट वॉर्स में शामिल होने के लिए, अपना कद अर्जित करने के लिए, अपना सही स्थान खोजने के लिए निकल पड़ा। लेकिन साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि वो इन सब में कैसे ठीक बैठता है। आखिर उसे ऐसा क्या करने की ज़रूरत है जिससे उसे एक बड़ा मुकाम हासिल हो। और फिर वो कहता है कि शायद उसे इस वॉर में एक्स एवेंजर्स को मार ही देना चाहिए। तभी लड़ाई में से एक बंदा आता है और वेनम पूल को बताता है कि अगर किसी को मारना ही है तो वो खुद उसे मारेगा, एक विलन को। तब वेनम पूल कहता है कि वो कोई विलन नहीं है, वो तो एक एंटी हीरो है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है, अगर तुम हीरो हो तो हीरो जैसी कॉस्ट्यूम पहनो, क्योंकि जैसी कॉस्ट्यूम अभी उसने पहन रखी थी उससे तो कोई भी सीरियसली नहीं लेने वाला था। जिसके बाद वेनम पूल कैप्टन अमेरिका की ओर इशारा करता है और कहता है, कोई उसे कैसे इतना पसंद कर सकता है, जबकि वो तो एक अमेरिकन फ्लैग की डिज़ाइन का कॉस्ट्यूम पहनता है, सिर पर छोटे छोटे पंख लगाता है। तब वो बंदा कहता है कि वो एक आइकॉनिक हीरो है। जिसके बाद वेनम पूल एक दो सुपर हीरोज के पहनावे का एग्जाम्पल और देता है। जिसके बाद वो बंदा तप जाता है और वेनम पूल से कहता है कि तुम ऐसे ही किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, ये सब के सब सुपर हीरोज हैं, खैर वो क्या जाने ये सब क्या कर रहे हैं। और अब वो भी उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो वापस लड़ाई के लिए लौट गया। और यहाँ हमारा वेनम पूल समझ जाता है कि ये सब लड़ाई वड़ाई उसके बस की बात नहीं, उसे कुछ और ही करना पड़ेगा। लेकिन वेनम पूल ने जिस चीज़ से भागने की कोशिश की, वही उसके खिलाफ शहर भर में साजिश रचाई बैठी थी, और वो थी वही जेरी कल्स डायन, जिससे उसने सोचा कि उसने छुटकारा पा लिया है। पर ऐसा नहीं था, वो वापस आ गई, यानी हमारे हीरो के लिए वेनम सिम्बायट एक बार फिर आ गया। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि उसने आखिर क्या साजिश रची थी डेडपूल के खिलाफ, आखिर वो करने क्या वाला था। तो दोस्तों, अब समय था 2000s का और यहाँ से शुरू हुआ हमारी इस कहानी का चैप्टर 3, जहाँ पर अब वेनम पूल के साथ बहुत कुछ हो चुका था। अब यहाँ एक रिपोर्टर जिसका नाम हैरिस प्रेंजर है, वो हमें वेनम पूल की लव लाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि पिछले कुछ सालों से वेनम पूल बियॉन्डर के साथ एक प्रेमहीन और अपमानजनक रिलेशनशिप में फंसा पड़ा है, जिस पर वेनम पूल कहता है कि पिछले 16 साल से वो उसके साथ रिलेशनशिप में था। और फिर हैरी वहाँ मौजूद तीसरी शख्स से उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो कार्नेज क्रल है, एक जिंदा मौत, वो मुड़े हुए बाल और टूटा हुआ दिल है। इसके बाद हैरिस प्रेंजर सबका इंटरव्यू एक एक करके ले रहा था, जहाँ सबसे पहले उसने बुलाया बियॉन्डर को, जिसमें ऑडियंस कुछ खास रुचि लेते हुए नहीं दिखी। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर वेनम पूल इस बात से खफा था कि बियॉन्डर ने उसे धोखा दिया। उसने जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहा, पर हमेशा से ही बियॉन्डर उससे एक कदम आगे रहा, इसलिए एक बार फिर उसने अपना मन बनाया और उसे मारने की सोची। लेकिन उसे मारने के लिए उसे चाहिए थी वो गन, जिसे उसने बहुत पहले ही किसी को बेच दिया। पर जैसे तैसे वो गन उसे किसी भंगार की दुकान में मिल ही जाती है, और फिर वो प्लान बनाता है कि किस तरह बियॉन्डर को ख़त्म किया जाए। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बियॉन्डर को अकेले अपने घर पार्टी के लिए बुलाता है। पार्टी में बुलाने के बाद वेनम पूल अकेले अपने घर पर उसका इंतजार कर ही रहा था कि बियॉन्डर कार्नेज क्रल को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जिसे देख वेनम पूल बियॉन्डर से कहता है कि तुम इसे क्यों साथ लाए हो, क्या उसे पता नहीं इसने उसके साथ पास्ट में क्या क्या किया है। और फिर दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि कार्नेज क्रल ने अब तक वेनम पूल के साथ क्या क्या किया। उसने उसके ग्रेट सीक्रेट अंकल बफेलो हॉपस्कॉच को मार दिया, उसने उसकी लेबोरेटरी जला दी जहां उसने सालों काम किया था, और तो और उसने उसके बर्थडे के दिन उसके रूम में डेकर छोड़ दिया, जिससे सभी ने सोचा कि वो बदबू छोड़ रहा है। जिसके बाद कार्नेज क्रल कहती है, हाँ उसने ये सब किया,
क्योंकि उसने उसकी नाक में दम करके रखा था और उसने क्या सोचा था कि वो ऐसा करके बच जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला था, कभी भी नहीं। कार्नेज क्रल से कोई बच नहीं सकता क्योंकि कार्नेज क्रल एक बीमारी है, जिस पर वेनम पूल जवाब देता है कि वो सिर्फ एक जुनून से भरी बहकाने वाली लूजर है। ये सुनते ही बियॉन्डर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपना शर्ट फाड़ते हुए वेनम पूल से कहता है कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उसकी प्रेमिका से कोई ऐसे बात करे, उसे उसके साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। और फिर दोस्तों कार्नेज क्रल भी उससे कहती है कि हाँ, उसे उसके साथ यकीनन इज्जत से बात करनी चाहिए क्योंकि अब वो बियॉन्डर के साथ है और अब वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुनते ही वेनम पूल तो हैंग हो जाता है, जिसके बाद वहां आता है उस बेबी का डैडी, जो कि था और कोई नहीं बल्कि गैलेक्टस। जी हाँ दोस्तों, कार्नेज क्रल के बेबी का डैडी था गैलेक्टस। और जैसे ही बियॉन्डर को यह सब पता चला, उसका तो दिमाग ही खराब हो गया और फिर उसने गैलेक्टस को 1-on-1 बैटल के लिए चुनौती दे दी, जिसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर फाइट होती है। और दोनों के स्पेस ड्यूटी होने की वजह से उनके पास बहुत पावर थी, इतनी पावर कि उनकी इस पावर को अर्थ भी हैंडल नहीं कर पाया और अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है और यहाँ से शुरू होता है हमारी इस कहानी का फाइनल चैप्टर, चैप्टर 4, जहाँ अब वेनम पूल एक बड़ा मूवी स्टार बन चुका था और पूरी दुनिया उसकी मूवी के प्रीमियर का वेट कर रही थी, जो थी वेनम पूल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवी इन द यूनिवर्स। और दोस्तों इसके साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि कैसे वेनम और डेडपूल आखिर तक एक साथ रहे, फिर भले ही उनके रिश्ते के बीच कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए हों, वो हमेशा से ही एक साथ मिलकर लड़े और कभी भी हार नहीं मानी। इसलिए आज वो सब उनके नाम पर जश्न मनाएंगे। इसके बाद मूवी की प्रीमियर शुरू होती है, पर वेनम पूल वो मूवी देखकर बिल्कुल भी गर्व महसूस नहीं कर रहा था, ना ही उसे दूसरों की मदद करने पर गरिमा मिल रही थी। उसने सिर्फ एक प्रकार की बीमार खुशी महसूस की उन लोगों के लिए जिन्हें उसकी उपलब्धियों से जलन थी। पर एक दिन ऐसे ही इंटरव्यू के दौरान उसे एक सवाल पूछा गया, जिसका जवाब वो दे ही रहा था कि वहाँ पहुँच गया थॉर। और फिर वेनम पूल समझ गया कि आखिर वो ऐसी क्या चीज़ है जिसे उसे प्रॉब्लम हो रही है, और वो थी दूसरे लोगों का उसके रहते अटेंशन मिलना, जो वो कभी नहीं चाहता था। और उसने सोचा कि अगर उसे सब कुछ चाहिए तो उसे हर एक शख्स को मारना होगा, उस हर एक शख्स को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा जो कि उसकी राह का कांटा बनेगा। इसलिए उसने उसे भी मार दिया, बिना ये जाने कि वो वाकई में असली सुपर हीरो थॉर था या उस जैसा ही कोई मूवी स्टार। उसने हर एक सुपर हीरो को मार दिया सिवाय सुंदर लड़कियों के, क्योंकि उन्हें वो अपने पास रखना चाहता था। और ऐसे बना वो इस पूरे वर्ल्ड का इकलौता सुपर हीरो, जिसके बाद आने वाली हर मूवी में वो ही हीरो बनता, हर टेलीविजन प्रोग्राम वो ही करता, हर मैगजीन और हर न्यूज़पेपर पर उसकी ही खबर छपती। उसकी कारनामे दिन ब दिन बढ़ते गए, पर उसे ये भी खाली खाली सा लग रहा था। इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी उसे कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा था। और फाइनली उसे अपने सभी परेशानियों के जवाब मिल गए। उसे समझ आ चुका था कि हमेशा से ही वो गलत चीज़ों पर फोकस कर रहा था, बल्कि उसे अपना फोकस एक सम्मोहक जीवन जीने पर देना चाहिए था। वो समझ गया कि लाइफ में आपको अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर आदमी बनना चाहिए। और इसके साथ ही उसने रेडकॉन एक्सपेंसिफायर गन भी उठा ली। अतः वो एक चीज़ करना ज़रूर सीख गया, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कौन हैं। और इसके साथ ही उसने सिखाने और सोचने के बजाय बकवास करना सीखा, और एट लास्ट उसने पूरे ब्रह्मांड को मिटा दिया जिसमें सब शामिल थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। और अब जब हमारी ये वीडियो ख़त्म हो गई है तो जाए फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल वाले आइकन को दबाओ, ताकि ऐसे ही शानदार और सब एक्साइटिंग कॉमिक वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करें, ताकि मेरी इस वीडियो को आपका बहुत सा प्यार मिले, साथ ही मेरे इस चैनल को भी मिले। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई कॉमिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड
बाय बाय।